स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और अपन सिलेबस देख लेते एक बारी, है ना। तो कितना कितना बचा है, क्या क्या अपन को कवर करना है वो भी एक बार देख लेते, फिर सारे टेस्ट एक बार पढ़ लेंगे। सारे टेस्ट का मैं आपको डाटा दे दूंगी कि क्या क्या आपको लिखना है। टेस्ट से मतलब है कि आपको वही फाइल बना करके जो लिखते हो आप एक्सटर्नल को फाइल चेक कराते हो, वैसी ही आपको एक फाइल बनानी है, ठीक है। तो वो डाटा मैं दूंगी तो आप वैसा का वैसा लिख लेना, ठीक है। अब वापस एक थोरो रिवाइज करते, जो जो बचा होगा वो हम मैं कवर कर लेंगे आगे की क्लासेस में। दिख रही सबको स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें कोर्स आउटकम जो रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें क्या क्या डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड देयर यूजेस, ठीक है। मतलब मटेरियल कौन कौन से होते हैं, उनके उपयोग क्या क्या है, उनको समझाएं, ठीक है। फिर इसके बारे में अपन को पढ़ना है, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में आपको ये जो लर्निंग आउटकम वन है उसके अंदर दिया है, ठीक है। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज टाइप एंड यूजेस ऑफ स्टोन, ठीक है। मतलब ये जो तीन चीज़ दे रखी है आपको, इसको हम डीप में पढ़ चुके हैं। ये पूरा का पूरा हमारा स्टोन का टॉपिक था, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज से मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी, डेंसिटी, ये सब मैंने पढ़ाया था आपको सबसे पहले जब हमने क्लास लगाई थी। वो होती है प्रॉपर्टीज मतलब विशेषता है, ठीक है। टाइप्स मतलब कितने प्रकार के हमारे स्टोन आते हैं, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, ये सारे स्टोन्स पढ़े थे और इनके उपयोग भी पढ़े थे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरे स्टोन का टॉपिक। अब एग्रीगेट के बारे में आते, तो एग्रीगेट को मैंने पढ़ाया था आपको कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का डीप में, ठीक है। अब यहाँ आते हैं ब्रिक्स, ये अगला दिख रहा है आपको ब्रिक, ब्रिक भी हम पूरा कवर कर चुके हैं। अगला आ रहा है टाइल्स, तो टाइल्स जो है हमारा रह गया है, ठीक है। तो अब नीचे इसको ब्रीफ में देख लो, कंटेंट में, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन फॉर सिविल इंजीनियर, हमने इंट्रोडक्शन में सब कुछ देख लिया था कि क्या क्या इंट्रोडक्शन होते हैं। अब स्टोन में आ जाओ, नीचे दिख रहा है सबको ब्लू ब्लू से जो करा है ऊपर ऊपर, स्टोन। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, क्लासिफिकेशन बोले तो सेंडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्निशियस, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायमतरित चट्टान, ठीक है। तीनों का के कैसे बनती है, कहाँ से आई, कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो मैंने आपको पूरा समझाया था कि कैसे हमारे अर्थ में कितने प्रकार की परतें बनी हुई हैं। तो सबसे अंदर वाली परत को कोर बोलते हैं, मध्य वाली परत को मेंटल बोलते हैं और ऊपरी परत को क्रस्ट बोलते हैं। तो जो कोर रहता है वो लिक्विड फॉर्मेशन में रहता है, धीरे धीरे रिसाव हो के वो ऊपर रिसता जाता है और जमता जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, चट्टानों का वो अवतार ले लेता है, तो वो हो जाती है आग्नेय चट्टान, जो एज इट इज हमारी चट्टान मतलब जो लावा है हमारा पूरा जम गया है, ठीक है, ठंडा होकर के जम गया है, मतलब वो हो जाती है हमारी आग्नेय चट्टान, ठीक है। फिर वही हमारी आग्नेय चट्टान, उस पर अलग प्रकार का फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, या फिर अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ या थोड़ी सी गुणवत्ता में चेंज होता है, ठीक है। आग्नेय चट्टानों की गुणवत्ता में जब चेंज होता है तो वो कौन सी चट्टाने बन जाती है, अवसादी चट्टाने, ठीक है। चाहे हमारे एटमोसफियर की हमारे वातावरण की गर्मी हो, ठंडक हो, पानी का बहना हो, इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी आग्नेय चट्टान में चेंजेस होते हैं, तो वो कौन सी चट्टानों में बदल जाती है, अवसादी चट्टान। और कायमतरित चट्टान मतलब आग्नेय और हमारी अवसादी चट्टान जब अपनी काया में अंतर करती है, मतलब कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस आते हैं। किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, जैसे वो धीरे धीरे अपनी
सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर लेती है और आग्नेय चट्टान से विपरीत हो जाती है या अलग हो जाती है या अवसादी चट्टानों से अलग हो जाती है, तो वो कौन सी चट्टानें हो जाती है? हमारी कायंतरित चट्टान। ठीक है, पढ़ाया था ये सब, रिवाइज हो गया अभी। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के अंदर ड्रेसिंग, क्वारिंग, सीजनिंग। ठीक है, ड्रेसिंग मतलब हमको, पहले क्वारिंग बताती हूँ। क्वारिंग एक अलग चीज़ होती है, ड्रेसिंग एक अलग चीज़ होती है। क्वारिंग हमने पढ़ा था, अलग अलग प्रकार की क्वारिंग होती थी कि हम उसको चट्टानों के या धरती के अंदर से कैसे उसको खोद करके या कैसे फोड़ करके, कैसे ब्लास्ट कर करके निकालते हैं। किनको निकालते हैं? हमारे स्टोन्स को, पत्थरों को या चट्टानों को। ठीक है, ड्रेसिंग, जब हम क्वारिंग कर देंगे, चट्टानों को तोड़ करके अलग निकाल लेंगे, उसके बाद उनको आकार देना या समतल बनाना या सॉफ्ट बनाना क्या कहलाता है? हमारा ड्रेसिंग। ठीक है, इन सब के बीच में एक अगला आ रहा है, ये हमारा सीजनिंग। ठीक है, सीजनिंग दिख रहा है सभी को? स्टोन के तुरंत नीचे जो सीजनिंग है। ठीक है, हाँ मैडम दिख रहा है, ये रहा ब्लूस है। सीजनिंग, सीजनिंग क्या होती है कि कुछ ना कुछ अंश जब धरती के अंदर से निकाला जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ नमी युक्त चट्टाने रहती है। जैसे अगर उसी जगह पर भाप एक जगह एकत्रित हो गई और वैसी की वैसी ही फॉर्म में रह गई, तो भाप मतलब पानी का अंश। ठीक है, तो चट्टानों में भी क्या होता है, पानी के अंश रह जाते हैं, तो इसलिए हमको उनकी सीजनिंग करनी पड़ती है या फिर उनको सुखाना पड़ता है। ठीक है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर हमने पढ़ा था। तो सीजनिंग मतलब एक ही चीज़, किसी भी मटेरियल में से या किसी भी चीज़ में से पानी को निकालना। ठीक है, ये पढ़ चुके थे हम। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, अच्छे स्टोन कौन से होते हैं उनकी, उनके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से स्टोन अच्छे होते हैं? जो हार्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो, जो घिसे नहीं, टियरिंग वियरिंग नहीं हो, तिड़कन नहीं हो जिसमें, जिनके कोने अपने हिसाब के हो, है ना, जिसकी भारीपन, भार या फिर घनत्व ज़्यादा हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, भारी हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो। तो ये सारे स्टोन्स कैसे होते हैं? हमारे अच्छे स्टोन्स होते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वही सारी चीज़ें आएगी जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता है, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो यही सारे पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाएंगे और यही सारे पॉइंट गुड बिल्डिंग स्टोन मतलब अच्छा या आदर्श बिल्डिंग स्टोन कैसा हो। आ रही है बात समझ में? यस मैडम। अब नीचे आ जाओ, देयर यूजेस, किसके यूजेस? आपके ये बेसाल्ट के, लाइम स्टोन के, कोटा स्टोन के, सैंड स्टोन के, मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्टसाइट, जेनेसाइट और लेटराइट, ये सारे मैं पढ़ा चुकी थी। ठीक है, अगर नहीं हो तो मैं अपने जो चैनल है उस पर अपने पुराने वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो उस पर से देख लेना, थोड़ा थोड़ा सा चला चला के देख लेना कि कौन से वीडियो में क्या चीज़ है, तो आपको याद आ जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एग्रीगेट पे। एग्रीगेट मतलब गिट्टी। मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट को कितने भागों में बांटा गया है। मेनली मुख्यतः हमने इनको दो भागों में बांटा है, एक तो कोर्स एग्रीगेट और दूसरा फाइन एग्रीगेट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फाइन एग्रीगेट, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फाइन एग्रीगेट, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सब हम पढ़ चुके थे। अब टेस्ट ऑन फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, ये हमारा रह गया है। ठीक है, ये हमारा रह गया है, तो मैं इसको नोट कर लेती हूँ कि हमको टेस्ट ऑन फाइन एग्रीगेट पढ़ना है। ठीक है, हो गया, आप आगे चले। हाँ मैडम, आगे आते हैं ब्रिक्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और जामा ब्रिक। ठीक है,
फ्रॉग ऑफ ब्रिक मतलब जो उसका ब्रिक के ऊपर जो खाली पार्ट रहता है जिसमें हम रेती डाल करके उसके ऊपर टेस्ट लगाते हैं उसको बोलते हैं फ्रॉग। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक मतलब हमने कितने प्रकार से अच्छी ब्रिक का मुआयना किया था, मतलब 1 मीटर की दूरी से गिरा कर दो ब्रिक को आपस में टकरा कर पानी में डुबो कर अलग अलग टेस्ट लगा कर, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज में काउंट हो जाएगी। ठीक है। डिफरेंट फील्ड और लेबोरेटरी टेस्ट मतलब कौन कौन से टेस्ट फील्ड पे लगाए थे और कौन कौन से टेस्ट लेबोरेटरी में लगाए थे उसके बारे में। मैं तीन लेबोरेटरी मैडम, टेस्ट। हाँ ये अपने जैसे ब्रिक की टेस्टिंग करेंगे तो हाँ उसमें क्या उसके फ्रॉग में मटेरियल भर के ही उसको सीटीएम मशीन में डालना जरूरी है कि हाँ बिना उसमें मटेरियल नहीं भरे नहीं कर सकते हैं? फ्रॉग में मटेरियल भर के ही, फ्रॉग वाला पार्ट खाली नहीं रह जाएगा, फिर अपन को समतल या एक जैसा यूनिफॉर्म एरिया कैसे मिलेगा। नहीं, हाँ दूसरी साइड जो रहती है उस पे नहीं कर सकते ट्राई? जैसे नहीं, जैसे नहीं ऐसा हाँ नहीं, फ्रॉग में दूसरी साइड पे भी तो सेम लोड लगेगा ना भैया। लोड कैसे इक्वल एंड हाँ अपोजिट, आपने 10th क्लास में या 12th क्लास में न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का तीसरा नियम। हर चीज़ एक दूसरे पे रिएक्शन डालती है, मतलब अगर आपको मैं धक्का दूँ तो कुछ ना कुछ मेरे को भी फोर्स लगेगा। ठीक है। तो अगर ब्रिक के ऊपर भी लोड लगाएंगे तो कुछ ना कुछ ब्रिक भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, तभी तो कंप्रेशन टाइप का लोड बनेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़, आधी जो हमारी ईट है वो बीच में से थोड़ी पार्ट खोखला है, तो अगर हम उस पर लोड लगाएंगे तो एक जैसा उसको लोड लगने को जगह ही कहाँ मिलेगी। फ्रॉग वाला पार्ट नीचे हाँ धंसा हुआ मिलेगा ना, तो सबसे पहले कौन सी कोने टूटेंगे? फ्रॉग के आसपास वाले कोने टूट जाएंगे। क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि ज़्यादा लोड लगेगा और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब सीटीएम मशीन का और ईट का जो एक दूसरे से चिपका हुआ एरिया है, तो उसको कौन सा बोल क्या चीज़ बोलेंगे हम, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, तो वो कम हो जाएगा ईट के ऊपर। तो एरिया कम हो जाएगा तो सबसे पहले जो फ्रॉग के आसपास की जो ईट का पार्ट रहेगा वो ही ब्रेक होगा और वहीं से फेल होगी, और हमको सही कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिक की नहीं मिल पाएगी। यही कारण होता है जो ब्रिक का फ्रॉग होता है, हमको या तो उसको मोर्टार से फील करना पड़ता है या फिर सैंड से फील करके इक्वल करके उसको ब्रिक को रख के टेस्ट करना पड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ तो ब्रिक के ऊपर मैंने 3 टेस्ट बताए थे, समझा दिए थे मतलब पढ़ाते टाइम, और उसकी वीडियो बचे थे तो मैं बाद हाँ में उसको अपलोड कर देंगे अपन। ठीक है। ठीक है। नीचे आते हैं, मैंने आपको ये कुछ कुछ ब्रिक समझा चुकी थी, जैसे होलो ब्रिक समझाई थी कि होलो ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं और कहाँ यूज होते हैं, कैसे बनाते हैं। फ्लाइश ब्रिक को मैं बता चुकी थी, फ्लाइश मतलब राख मिला करके हमारी ब्रिक का निर्माण करते हैं, सिर्फ मैंने ओरली बताया था, इनको हम डीप में पढ़ लेंगे बाद में। ठीक है। मतलब ये जो स्पेशल ब्रिक वाला पार्ट है ये हमारा रह गया है। ठीक है। तो आप लोग भी हाँ नोट करते जाओ कि क्या क्या रह गया है, तो मेरे को बाद में याद दिला दो और पूछ लो। मैडम, एक तो अभी टेस्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट रह गया है और एक दूसरा ये क्या बताए? स्पेशल ब्रिक, हाँ वो फ्लाई एज ब्रिक। ठीक है मैडम। एक सेकंड में नोट कर लूँ। हाँ ठीक है। ये टाइल्स वाला पार्ट रह गया है। टाइल्स मतलब किस प्रकार के टाइल्स होती है, क्या उनकी मोटाई रहती है, कितने बाय कितने की रहती है, और सेरामिक टाइल्स कौन सी होती है, मोजेक टाइल्स कौन सी होती है, और फ्लोरिंग हम किन किन चीज़ों से बनाते हैं। ठीक है। तो ये हमको पढ़ना रह गया है। अब आ जाओ लर्निंग आउटकम 2 पे। ठीक है। आ गए। ये रेड से जो लिखा हुआ है, हाँ मैडम, परफॉर्म
टेस्ट ऑन ब्रिक एंड फाइन एग्रीगेट। ठीक है, टेस्ट ऑन ब्रिक में देखना आप नीचे थर्ड नंबर का दिख रहा है सबको, डिटरमिनेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ ब्रिक। हाँ पढ़ चुके हैं? हाँ ये भी पढ़ लिया है। डिटरमिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, सीटीएम मशीन में ब्रिक को तोड़ा था और एरिया से हमने डिवाइड करा था, लोड को एरिया से डिवाइड करा था, तो हमको क्या मिल गया था? कंप्रेसिव स्ट्रेस, के ब्रिक की कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और कितनी स्ट्रेस लगाई, तो कितने स्ट्रेस तक उसने विरोध किया और कौन से पॉइंट पे आकर टूटी। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे। वीडियो कुछ अपलोड करने के हैं तो मैं फ्रेश वीडियो अपलोड कर दूंगी उसके। ठीक है, मतलब टेस्ट के नाम लिख लिख के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, तो हम उसको भी एक बार समझ लेंगे या क्लास में ही हम वीडियोस देख लेंगे। ठीक है, अगला आ रहा है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इफ्लोरोसेंस ऑफ ब्रिक। ठीक है, इसका भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था दुग्गल करके जो राइटर थे उनका, तो ब्रिक को कैसे हमने वाइट पैचेस और किस प्रकार से देखा था वो सारा था। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ, हमने क्या करा है, फर्स्ट नंबर का डिटर्मिनेशन ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड वाला नहीं करा है, जो कि काय का टेस्ट है हमारा फाइन एग्रीगेट का। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस मॉडुलस बाय सीव एनालिसिस ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड छन्नियाँ होती है। ठीक है, छन्नियों के ऊपर हमने क्या डालना है, हमारा एग्रीगेट, और उसको कायम में रखना है वाइब्रेशन मशीन में। तो वो एक के नीचे एक छन्नियाँ कौन से ऑर्डर में लगेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ऊपर सबसे बड़ी छन्नी नीचे नीचे जाते हुए छोटी से छोटी से छोटी छन्नियाँ लगती जाएगी। तो कौन सी छन्नी पे कितना मटेरियल हमारा रुका है उससे हम पता लगाते हैं कि हमारा फाइननेस मॉडुलस ऑफ सीव एनालिसिस क्या है, मतलब मटेरियल हमारा कितना फाइन है, कितना परसेंट मटेरियल या एग्रीगेट हमारा फाइन अमाउंट में। ठीक है, ये मैं क्लास में एक बार बता चुकी थी, इसके वीडियो और है तो अपन उसको कर लेंगे। एक सेकंड में नोट कर लूं। आगे बढ़ते हैं, हमारा लर्निंग आउटकम थ्री की ओर। ठीक है, दिख रहा है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मूरम लाइम सीमेंट मोर्टार एंड बेसिक्स ऑफ कॉन्क्रीट एंड कैरिंग आउट ऑफ टेस्ट ऑन सीमेंट। अब देखो डीप में, मूरम फॉर रोड वर्क। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मूरम फॉर रोड वर्क। मूरम क्या होता है, वैसे तो आप सबने देखा होगा एक ऐसा स्टोन या ऐसा पत्थर या ऐसा गारा टाइप आता है, गारा एक्चुअल में गारा नहीं रहता, वो थोड़ा सा हार्ड टाइप का स्टोन रहता है, जिसको हम प्लिंथ भरने में यूज़ करते हैं, जिसको हम रोड की भराई करने में, लेवल मैच करने में या लेवल को एक लेवल करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इससे क्या करते हैं, भराई करते हैं। ठीक है, फिलिंग करते हैं, तो जिससे हमारा लेवल क्या सेम हो जाता है। अब हमको इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमारा रह गया है, प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या उसमें विशेषताएं रहनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लाइम की साइड। लाइम शायद मैं पढ़ा चुकी हूँ क्या? लाइम तो पढ़ा दिया मैडम, है ना, लाइम हमने अलग अलग स्लेक लाइम और ये लाइम वो लाइम पढ़ा था, तो इसको एक बार देख लेना कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। ठीक है ना, लाइम को एक बार देख लेना।
मैं भी देख लूंगी अगर वीडियो में होगा तो। ठीक है, सीमेंट पे आ जाओ। सीमेंट को हम पढ़ चुके थे। सीमेंट के बारे में हमने केमिकल कंपोजिशन, मतलब कितना लाइम डला, कितना सल्फेट डला, कितना सारे अलग अलग कंपोजिशन डले हैं, उसको हमने देखा था। तो केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिकल किस कौन कौन से केमिकल या कौन कौन से मटेरियल मिलकर के हमारा सीमेंट बना। अब लिखा क्या है? मोर्टार। वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट, अलग अलग प्रकार की सीमेंट एंड देयर यूजेस। तो मैंने आपको 10 से 11 टाइप की सीमेंट बताई थी और उनके क्या क्या उपयोग है वो भी मैंने बताए थे। ठीक है, पोजोलाना सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, वाइट सीमेंट, कलर सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट। ठीक है, ऐसी अलग अलग प्रकार की सीमेंट बताई थी और ये देख ही लो, अगर याद नहीं हो तो इसी में पढ़ लो। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, इन सब के आगे बताया था मैंने जब पढ़ा रही थी कि कौन सी सीमेंट कहाँ यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है। जैसे सी वाटर है तो उसमें सल्फेट रेजिस्टिंग, सल्फेट बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं तो उसको अपोज करने के लिए सल्फेट रेजिस्टिंग, मतलब सल्फेट्स को अपोज करे, रेजिस्ट करके हमारे स्ट्रक्चर को हार्ड करने वाली सीमेंट हमको वहाँ होना चाहिए। कलर्ड सीमेंट के बारे में पढ़ा था, वाइट सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट। स्टोरेज ऑफ सीमेंट हमने नहीं देखा था कि कैसे हमको सीमेंट का स्टोरेज करना है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे हम बाद में, स्टोरेज ऑफ सीमेंट। मैं एक एक पॉइंट इसलिए देख रही हूँ क्योंकि हमारा कहीं से भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। हमको नहीं पता, ऑनलाइन एग्जाम होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होती तो एक छोटा सा अगर वो डाल दे, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव डाल दे, तो इसलिए हमको एक छोटा छोटा सा पॉइंट भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट ऑन सीमेंट मैंने बताए थे आपको, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, सबका बताया था कि क्या क्या मिलाते हैं, क्या क्या मिक्स करते हैं, कि कितना टाइम के पहले हमको अपनी जगह पर अपना सीमेंट फिक्स हो जाना चाहिए, बताया था सब कुछ। यस मैम। ठीक है, तो ये टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सीमेंट कितना किस हिसाब से रह सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मोर्टार की ओर। डिफाइन डेफिनेशन, मतलब मोर्टार होता क्या है, किस किस का मिक्सचर होता है। वो मोर्टार होता है, किस किस का मिक्सचर होता है? मोर्टार मिक्सचर होता है सीमेंट और सैंड का। हाँ, काय में यूज होता है? मैडम ये यूज होता है एक तो अपने ब्लास्टिंग में, एक कहीं भराव करने के लिए, कहीं मतलब लेवलिंग के मिलाने के लिए। मैम नहीं, नहीं। वो करते हैं ना अपन, ब्रिक ब्रिक वर्क, हाँ ब्रिक वर्क, ब्रिक मैसोनरी हाँ ब्रिक मैसोनरी है में, ना, उसमें सबसे ज्यादा हाँ यूज होता मशीन। है। हाँ ठीक है, तो मोर्टार हमने देखा था, डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ मोर्टार, मोर्टार के कार्य क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ मोर्टार भी मैंने पढ़ाया था कि मोर्टार को जैसे बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल की जगह पे हम चाहे लाइम यूज़ कर ले, चाहे सुरखी यूज़ कर ले, चाहे सीमेंट यूज़ कर ले, ये गेज्ड मोर्टार और जिप्सम मोर्टार नहीं पढ़ाया था मैंने। ठीक है, चाहे हम सीमेंट यूज़ कर ले। विटामिन सुरखी मोटर क्या होता है? सुरखी मोर्टार मतलब गारा, आपने देखा गारा या मड, एक टाइप की एक बारीक सुरखी बोलते हैं। आप गूगल करो सुरखी किसको बोलते हैं, मैं भी करती हूँ। फाइन एग्रीगेट होता है और बारीक एग्रीगेट होता है। पाउडर्ड ब्रोकन ब्रिक,
बर्न्ड ब्रिक। बर्न्ड ब्रिक को भी सुर्खी बोलते हैं, मतलब ईंटों का चूरा। दिख रहा है? हाँ मगर हमारा जो सैंड मोर्टार होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। पढ़ रहे हो ये वाला फोटो? यस मैडम। पढ़ लिया मैडम। मतलब सैंड की जगह पर हम बर्नट ब्रिक्स या फिर रेडिश कलर का हमारा जो चूरी यूज़ करते हैं उसको हम सुर्खी बोलते हैं, और उसको बाइंडिंग मटेरियल के साथ में यूज़ करते हैं तो वो होता है सुर्खी मोर्टार। ठीक है, लाइम मोर्टार पढ़ा था हमने, एक सीमेंट लाइम मोर्टार पढ़ा था कि सीमेंट और लाइम दोनों को मिक्स करके मोर्टार बनाते हैं, फिर एक सीमेंट मोर्टार पढ़ा। ठीक है, एक ही गेज्ड मोर्टार इसमें पढ़ना रह गया हमारा, जिप्सम मोर्टार। स्पेशल मोर्टार आगे बढ़ते हैं। ग्राउटिंग, ग्राउट लिखा हुआ है ये छोटा सा। ठीक है, ग्राउट मैंने बताया था जब मशीन से कॉन्क्रीटिंग या मोर्टार होता है तो उसको बोलते हैं ग्राउटिंग। मशीन से मतलब क्योंकि फोर्स से और प्रेशर से निकल करके दीवारों पर चिपकता है ये। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ग्राउटिंग।